हुकूमत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वालों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। सिंध के वजीर इत्तलात व बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने इस हवाले से ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वालों को इनाम दिया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि रिसर्च लेबॉरटरीज और रिसर्च स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो कोरोना की वैक्सीन की तैयारी में सिंध हुकूमत की मदद करें। नासिर हुसैन शाह ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत लेबॉरटरीज और रिसर्च स्टूडेंट्स को मुकम्मल सहूलतें फराहम करेगी और तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वाज़ेह है कि सिंध में कोरोना वायरस का एक और मरीज सामने आ गया, जिसके बाद सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 15 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक 52 साल शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जो 2 रोज कबल इस्लामाबाद से कराची पहुंचा था। महकमा सेहत ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस के 13 मरीज आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज है, जबकि 2 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। दूसरी जानब दुबई से कराची पहुँचने वाले गैर मुल्की एयरलाइन परवास के 2 मुसाफिर में कोरोना वायरस का शुबा जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें खसूसी सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। हर खबर से अपडेट रहने के लिए खबरों सियासी या मुल्क के बुहरान की या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।